जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का आशीर्वाद से 16 मई मंगलवार का दिन जेठ माह किस पक्ष की द्वादशी तिथि प्रीति योग उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जिसका स्वामी शनि है, सुबह 8:15 तक, उसके बाद रेपती नक्षत्र में बुध का प्रभाव रहेगा। शनि इस समय सतविशा नक्षत्र के द्वितीय चरण में राहु से प्रभावित है और राहु इस समय बुध के साथ गोचर कर रहा है। शनि का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन के जो संघर्ष हैं उसमें सफलता अब आपको प्राप्त होगा। विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा और पढ़ाई लिखाई के मामले में आपके उद्देश्य सफल और पूरे होंगे। आज रेपती नक्षत्र बुध स्वामी है और बुध इस समय भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र से प्रभावित है, तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर बुध को प्रभावित कर रहा है। ये समय ऐसा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। आपके बिगड़े काम बनते हुए नजर आएंगे और प्रत्याशित सफलता और जीवन में कामयाबी का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन राहु इस समय बृहस्पति और बुध के साथ गोचर कर रहा है। धन थोड़ा खर्च होगा, अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अपने परिवार की खुशी को, अपने जीवन में सुख को और अपनी सफलता को पाने के लिए आज आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होगा। आज का दिन करियर के मामले में बहुत शुभ रहने वाला है। सफलता और कामयाबी हासिल करने का सुंदर योग है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, ये समय आपको सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि आज शनि का गोचर बड़ा लाभदायक है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का शनि जो राहु से प्रभावित है आपके जीवन में अच्छा खासा लाभ देकर जाएगा। लेकिन बुध जो राहु के साथ और बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, सुखद अनुकूल प्राप्त परिणाम तो होंगे लेकिन थोड़ा धन ज्यादा खर्च होगा और कोई गलत तरीका अपनाने से आपको हानि होगा। आज आप किसी भी तरह का गलत काम से बचें, क्योंकि राहु जब बृहस्पति के साथ गोचर करता है और बुध भी राहु के साथ होता है, तो इंसान कभी कभी गलत तरीका अपनाते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप गलत तरीका अपनाने से बचें, सही और सीधे रास्ते पर आगे बढ़ें तो मेहनत का फल भी मिलेगा, मन चाहा परिणाम भी मिलेगा, दिन भी बड़ा शानदार साबित होगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, लाभ भी आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। शनि बुध का प्रभाव है, राहु की छाया है, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है, यानी अपने जीवन में बेहतर परिणाम पाने का सुंदर योग है। शनि सतविशा नक्षत्र में जब गोचर करता है तब आपके जीवन में सुख होता है, संतान की तरक्की होती है, आपके लिए लाभ और आपकी परेशानी कम होती है। और जब बुध पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल को प्रभावित करता है जिसका स्वामी बृहस्पति है, तब आपके जीवन में धन बढ़ता है। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ बैठा है इसलिए धन थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में पत्नी का प्यार मिलेगा, परिवार में समृद्धि, धन संपत्ति का सुख मिलेगा, आपके जीवन में शानदार अवसर प्राप्त होगा, अपने भाग्य अपने कर्म से जीवन में बड़ी सफलता और लाभ की प्राप्ति करेंगे, बड़ी खुशखबरी शुभ समाचार आज आप पाएंगे।
आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी शनि और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। आज राहु काल 3:41 से 5:23 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 3 होगा। आज सर्वा सिद्धि योग सुबह 5:30 पर आरंभ हो जाएगा, जो 8:15 तक होगा। शनि के प्रभाव में सर्वा सिद्धि योग में आपके लिए समय बेहतर परिणाम लेकर आएगा। समय का लाभ उठाएं। अभिजीत मुहूर्त 11:50, विजय मुहूर्त 2:34 आपके लिए शानदार होगा। सौंदर्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, प्रेम का सुख मिलेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, संभावना जीवन में तरक्की का है, तो धन भी बढ़ेगा, सुख भी मिलेगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें तो जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी का दर्शन करेंगे, बड़ा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय हनुमान।